Today we are going to see that we have been talking about informed consent, but what could be the essential elements of informed consent? Valid informed consent for the research must include three basic things. And three major elements are disclosure of information, competency of the participants to make decision and voluntary nature of the decision. So this is important. Hai. के रिसर्च के बारे में बताया जाए ये देखा जाए कि क्या वॉलेंट्री उसके अंदर पार्टिसिपेशन हो रही है या नहीं हो रही और क्या वो पार्टिसिपेंट्स इतने कंपिटेंट इनफ हैं कि वो ये डिसाइड कर सकें कि वो पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं सो असेंशियल एलिमेंट्स जो हैं उनको हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे नंबर वन स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट रिसर्च इंक्लूडिंग

उस इंडिविजुअल को और बाकी लोगों को वो मेंशन करना भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है अ डिस्क्लोजर टू एनी अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट डेट मे बी एडवांटेज सो अगर हम कुछ और भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं तो उसके ऑल्टरनेट पे हमें वहाँ पर बताने चाहिए कि इन केस दिस वुड नॉट वर्क दे अद अदर सर्टन वेज बाई थ्रू वी कैन अचीव दर्पज ऑफ द रिसर्च देन नंबर फाइव इज अ डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनिंग हाउ इन्वेस्टिगेटर विल मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द रिकॉर्ड सो वो सारा प्रोसेस जो हमने अभी अर्लियर लेक्चर्स में बात की कॉन्फिडेंशियलिटी को कैसे इंश्योर करना है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना होगा पार्टिसिपेंट्स को सो दैट दे वुड बी कम्फर्टेबल इनाफ इन गिविंग देयर कंसेंट फॉर द रिसर्च देन फॉर रिसर्च इन्वॉल्विंग मोर देन मिनिमम रिस्क अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव प्रोवाइडेड एंड एन एक्सप्लेन रिगार्डिंग वेदर मेडिकल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल सो so, जहाँ पर तो मिनिमम रिस्क है कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है कोई डिस्ट्रेस नहीं होगा कोई काउंसलिंग की रेफरल की जरूरत नहीं है वहाँ तो इट्स ऑल राइट लेकिन जहाँ पे हमें लगता है कि किसी भी किस्म का कोई रिस्क हो सकता है फॉर इंस्टेंस स्टडी जैसे हम प्रीवियस क्लासिकल स्टडीज की बात कर करते रहे हैं इलेक्ट्रिक शॉक वाली स्टडी की बात करते रहे हैं तो वहाँ पर मे uh, बी uh, जो ऑल्टरनेट मेडिकल अरेंजमेंट्स हैं उनको इंश्योर करना और पार्टिसिपेंट्स को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है जरी इज पॉसिबल पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी टोल्ड होम टू कॉन्टैक्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च स्टडी एंड अबाउट द राइट्स ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स सो बेसिकली इंजरी कोड भी ऑफ एनी टाइप कोई भी ट्रामा हो सकता है कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है जब कोई एक्सप्लोरेटिव नेचर की स्टडीज हो रही होती हैं फॉर इंस्टेंस जब डेप परसेप्शन की स्टडीज की जाती हैं और एक छोटे बच्चे को एक इंफेंट को एक टेबल पर या किसी हाइट पर बिठाया जाता है जो क्रॉल कर रहा होता है कि वो क्रॉल करके जब एक टेबल या उस हाइट के कॉर्नर पे पहुंचता है तो क्या वो नीचे गिरने के उसके चांसेस होते हैं या वो गिरेगा या वो डेप्थ को परसीव करेगा सो इन दो सिचुएशंस देर आर द चांसेस दैट मे बी वन आउट ऑफ हंड्रेड चाइल्ड मे नॉट हैव द डॉट परसेप्शन और वो वहाँ से गिर जाए सो इन दो सिचुएशन वी हैव टू फॉर एज वेल सो इट्स नॉट दैट वंस द हैज़ प्रूव उसके बाद हम कभी भी उसके लिए कोई स्टेप्स नहीं लेंगे We always have to ensure the safety and security of the participants. Then description of therapeutic measures that would be available to the participants in case of adverse reactions or injury as a result of being part of the study. So basically whatever the alternate arrangement you have made in those situations wahan par uski ek detail a list of the method is available dena. बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर उनको ये पता होगा कि इसमें हमें कोई रिस्क या ट्रामा होगा और ऑल्टरनेट मेथड या प्रोसीजर्स क्या अवेलेबल होंगे तो दे वुड बी हैप्पी बिकम द पार्ट ऑफ रिसर्च क्योंकि उन्हें ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी फील हो रही होगी दैन नाइन्थ एंड द लास्ट वन इज अ स्टेटमेंट दैट पार्टिसिपेशन इज वॉल्ट्री वी कॉन्ट फोर्स एनी वन टू बी द पार्ट ऑफ द रिसर्च एंड दैट द रिफ्यूजल टू पार्टिसिपेट इन्वॉल्व नो पैलेंटी अब किसी को फाइन uh, नहीं कर सकते किसी को पेनल्टी नहीं डाल सकते कि आपने हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेशन नहीं की या आपने इससे विड्रॉ कर लिया तो हम आपको सर्टेन बेनिफिट्स नहीं देंगे सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंश्योर्ड एंड दैट द पार्टिसिपेंट मे डिस एनी टाइम वेन एवर दे वट सो दीज आर द बेसिक यू नो एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स पिच वी नीड टू सी Uh, well we are uh, staging the informed consent and mean we are providing the basic information which need to be given into the informed consent